दुनिया भर में बहुत सारे लकी और अनलकी मूवमेंट होते हैं, जिनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका लक इतना अच्छा होता है कि वो मरते मरते बच जाते हैं, लेकिन उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका लक ही खराब होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ ऐसे ही लोगों से मिलाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को, टॉप लकी एंड अनलकी पीपल्स इन द वर्ल्ड। गाइस, आपने पैराग्लाइडिंग का तो नाम सुना ही होगा, जिसमें लोग हवा में उड़कर वादियों का नजारा देखते हैं। तो ऐसी ही एक हैंग ग्लाइडिंग भी होती है, इससे भी लोग हवा में उड़ते हैं। लेकिन इसमें फर्क इतना होता है कि जो भी व्यक्ति इस हैंग ग्लाइडिंग को चला रहा होता है, वो सिर्फ एक हुक से ही पैराशूट से जुड़ा होता है। अगर ये हुक निकल जाती है तो हैंग ग्लाइडिंग करने वाला व्यक्ति कई सौ फीट नीचे जाके गिरता है। ऐसा ही कुछ हुआ इस व्यक्ति के साथ, जो कि हैंग ग्लाइडिंग करने के लिए एक ऊंची सी जगह पर जाता है और वहां जाने के बाद ये बहुत ही आराम से टेक ऑफ भी कर जाता है और धीरे धीरे ये हैंग ग्लाइडिंग से दिख रहे नजारे को एंजॉय करने लगता है। और इसके हैंग ग्लाइडिंग करने के कुछ ही समय के बाद ये बिल्कुल ही फ्री हो जाता है। लेकिन अचानक से ही इस व्यक्ति की हुक टूट जाती है और ये व्यक्ति इस हैंग ग्लाइडर से नीचे गिरने ही वाला होता है। तभी ये अपने हाथों से ग्लाइडर को कस के पकड़ लेता है, जिससे ये इस ग्लाइडर से लटका रहता है। ये पूरी वीडियो इस हैंग ग्लाइडर में लगे हुए गोप्रो से शूट हुई थी। ये ग्लाइडर कई सौ फीट ऊंचाई पर उड़ रहा था जब इसका हुक टूट गया। अगर ये व्यक्ति यहाँ से नीचे गिर जाता तो इसका बचना तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल था, लेकिन फिर भी ये व्यक्ति इस ग्लाइडर से मजबूती के साथ लटका रहता है और ये ग्लाइडर एक बीच पर जाकर क्रैश लैंड कर जाता है, जहाँ पर गिरने के बाद इस व्यक्ति को चोट भी नहीं आती है और ये सेफली लैंड भी कर जाता है। अब गाइस, ये व्यक्ति लकी था या अनलकी, ये आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे ही गाइस, ये दोनों बच्चे अपने स्कूल से पढ़ने के बाद घर जा रहे होते हैं और दोनों के पास अपनी अपनी साइकिल होती है। ये दोनों जिस सड़क से जा रहे होते हैं, वही सामने से एक ट्रक भी आ रहा होता है, जिसमें से एक बच्चा तो अपनी साइकिल को साइड कर लेता है, लेकिन दूसरा बच्चा इसकी साइकिल से आगे निकल जाता है और वो आगे जाकर अपनी साइकिल को साइड में करने की कोशिश करता है। लेकिन वहाँ पर इसकी साइकिल में ठोकर लगने की वजह से ये अपनी साइकिल से जमीन पर गिर जाता है और ये बच्चा इस ट्रक के नीचे आने से बाल बाल बच जाता है, लेकिन इसका बैग ट्रक के पहिए के नीचे आ जाता है। अगर इस जगह पर इस बच्चे का लक अच्छा न होता तो यहाँ पर एक बड़ा हादसा भी हो सकता था। ऐसे ही ये व्यक्ति अपने स्कूटर से आगे की तरफ जा रहा होता है और इसके बराबर से ही एक ट्रक भी जा रहा होता है, लेकिन अचानक से इसके स्कूटर का बैलेंस बिगड़ जाता है और ये बिल्कुल ही ट्रक के पहिए के नीचे जाके गिरता है। लेकिन इस जगह पर इस व्यक्ति का लक इतना अच्छा होता है कि ये इस ट्रक के पहिए के नीचे आने से बच जाता है। इसके हेलमेट लगाए होने की वजह से ये बच जाता है। अगर ये व्यक्ति इस हेलमेट को ना लगाया होता तो इसके साथ बहुत ही बड़ा हादसा हो सकता था। अब गाइस, कुछ लोग अपनी कार में ऐसा सामान रख के ले जाते हैं जिसके बारे में उन्हें पता ही नहीं होता है कि अगर वो अपनी गाड़ी में ब्रेक लगा देंगे या उसे तेज स्पीड से चलाएंगे तो उनके साथ क्या होगा। ऐसा ही कुछ हुआ इस कार ड्राइवर के साथ, जो कि एक रेड सिग्नल पर ये कार रुकी होती है और फिर जैसे ही वो सिग्नल ग्रीन होता है, वैसे ही इस कार का ड्राइवर अपनी कार को बहुत ही तेजी से आगे बढ़ाता है। लेकिन इसके गाड़ी के अंदर पानी में रखी हुई बहुत सारी मछलियां होती हैं, जो कि इसके तेजी से गाड़ी आगे बढ़ाने की वजह से वो सारी मछलियां जमीन पर जाके बिखर जाती हैं। अब गाइस, ये दोनों लड़के एक जंगल के बीचों बीच से जा रहे रास्ते से निकल कर जा रहे होते हैं। इनमें से पीछे बैठा हुआ लड़का अपने कैमरे में वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा होता है। तभी अचानक से रोड के किनारे पर ही एक शेर आ जाता है, जो कि इनकी बाइक के पीछे ही पड़ जाता है। ये अपनी बाइक की स्पीड और भी तेज कर लेते हैं, वैसे ही शेर की स्पीड भी और भी ज्यादा तेज हो जाती है। अगर इस जगह पर ये बाइक अगर फिसल जाती या ये बंद पड़ जाती तो फिर इन दोनों लड़कों को इस शेर से बचाना तो बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि शेर जिस तरह से इनके पीछे दौड़ रहा था उसे देख के तो लग रहा था कि वो बहुत ही गुस्से में था। अब गाइस, कई जगहों पर कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाले वर्कर्स इतना रिस्क ले लेते हैं कि कभी कभी तो उनकी जान पर बनाती है। जैसे ये एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाला वर्कर होता है, जो कि अपनी जेसीबी से इस जगह के मलबे को साफ कर रहा होता है, लेकिन इसके जेसीबी में कुछ खराबी होने की वजह से एक छोटे से वायर को ढूंढने के लिए ये अपनी जेसीबी के केबिन से बाहर चला जाता है और ये इस जेसीबी के बाहर लगे हुए इस बड़े से टब के नीचे कुछ ढूंढने लगता है। लेकिन तभी ये मिट्टी भरने वाला बड़ा सा टब नीचे गिर जाता है। इस व्यक्ति की किस्मत अच्छी होती है कि इसके सर पर गिरने वाला टब इसके सर से थोड़ा ही आगे गिरता है और इस लोहे के स्ट्रक्चर में इतना वजन होता है कि अगर ये किसी इंसान के ऊपर गिर जाता है तो उस इंसान की तो सारी हड्डियां ही टूट जाएंगी। ये व्यक्ति अपने डॉग को इवनिंग वॉक पर लेके जाता है और ये अपने डॉग के पट्टे को अपने हाथ में ही बांध लेता है। कुछ दूर थक कर चलने के बाद ये एक साइड के कैफे में बैठ जाता है और फिर तभी अचानक से इसका डॉग भागने लगता है और फिर वो इसकी चारों तरफ कुर्सियों में ऐसा दौड़ता है कि वो सारी कुर्सियां ही पलट कर रख देता है, जिसके बाद इस डॉग ओनर को अपने हाथ से उसका पट्टा खोलना पड़ता है। ये लड़की वीआर
गेम्स खेल रही होती है और वीआर गेम्स खेलने के बाद तो ये पता ही नहीं चलता है कि वो वर्चुअल है या रियलिटी है। लेकिन ये लड़की ये बात भूल ही जाती है कि ये वर्चुअल गेम खेल रही है। ये इस गेम को खेलने के लिए दौड़ती हुई जाती है और टीवी में जाके लग जाती है, जिसके बाद ये टीवी तो पूरी तरह से खराब हो ही जाता है और ये वीआर हेडसेट भी पूरी तरह से खराब हो जाता है। ये व्यक्ति इस पानी में जंप करने के लिए काफी देर तक इस पहाड़ के ऊपर घूमता रहता है और फिर ये एक अच्छी सी जगह देखकर इस पानी में जंप कर देता है। और फिर जैसे ही ये इस पानी में जंप करता है, वैसे ही पानी के अंदर इसे एक बड़ी सी शार्क दिखाई देती है। ये शार्क इतनी बड़ी होती है कि ये किसी को भी मार के खा लेती। इस लड़के के पानी में जंप करने के बाद शार्क इसकी तरफ दो बार आती है, लेकिन दोनों बार शार्क इसके पास में आने के बाद चली जाती है और धीरे धीरे करके ये तैरता हुआ किनारे की तरफ आ जाता है। ऐसे ही गाइस, ये एक व्यक्ति होता है जो कि पहाड़ के ऊपर से पानी में जंप करने के लिए जाता है और ये एक नई लोकेशन से पानी के अंदर जंप करने का ट्राई करता है। लेकिन जब ये पानी के अंदर जंप करता है, इस व्यक्ति के जंप करते ही ये इस पहाड़ की चट्टानों से कुछ सेंटीमीटर आगे ही गिरता है। अगर ये व्यक्ति पानी में गिरने से थोड़ा सा भी और स्लो होता तो शायद ये इस पानी में गिरने की वजह चट्टान पर ही गिर जाता। वैसे गाइस, आपको इन सभी लकी और अनलकी पीपल्स में से सबसे ज्यादा बेस्ट कौन लगा ये मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।